इसलिए कभी दूसरों को कभी दोष मत लगाया करो। जीवन में जो कुछ आए हंसते हंसते उसको भोग कर लो। भोग करते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति कभी मत खराब छोड़ा करो। भक्ति भगवान की नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम भक्ति करते हैं, अगर थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए तथा भगवान इतना भजन किया, भक्ति किया और भगवान ने हमारे साथ में ऐसे किया है, हैं? कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, भले कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, खाना छोड़ेंगे नहीं, पहनना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, माला छोड़ेंगे। हम तो माला छोड़ने के बैठे हैं, कब थोड़ी सी इधर उधर अगर माला छोड़ जाए, लेकिन और कोई चीज हमें छोड़ने, खाना पीना घूमना सोना सब कुछ करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते भैया भजन कभी मत छोड़ा करो, भक्ति मत छोड़ो, क्यों दुनिया तो तुमसे छुटेगा एक दिन, ये दुनिया एक दिन तुमसे छूटने वाले हैं। चाहने पर भी दुनिया को तुम रह नहीं सकते, अतिशय रख भी नहीं सकते, एक दिन ये दुनिया तुमसे छूटेगा ही। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, जैसे एक पिताजी की अथाह संपत्ति है, वो संपत्ति के अधिकारी बच्चा कब बनेगा, अगर बच्चा जिंदा रहे तो तभी वो संपत्ति के अधिकारी बन सकता है, अगर बच्चा मर ही गया फिर वो संपत्ति का अधिकारी थोड़ी बनेगी। उसी तरह हमारे पिता कौन है, परम पिता कौन है, जगत पति जगन्नाथ, हम सबके सब अमृत सब पुत्र, हम सबके सब भगवान की संतान है। हम साधारण कहते हम औलाद नहीं, भगवान के औलाद है। लेकिन कब भगवान कौन है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, पर उनकी भक्ति धन में उनकी प्रेम धन में हम अधिकारी कब बनेंगे, अगर जिंदा रहे तो। मतलब अगर भक्ति को कंटिन्यू अगर करते रहेंगे फिर तो एक दिन प्रभु की भक्ति करते करते ध्रुव जी को भगवान एक नया वैकुंठ बना दिए। पर जब तक ये दुनिया रहेगा तेरे को दुनिया याद करते रहेंगे, भगवान की पृथ्वी का राज्य तो दिए उसको, लेकिन लास्ट में उसको वैकुंठ धाम, उसके लिए एक वैकुंठ लोक भगवान बना दिए। लेकिन जगत में कुछ कुछ लोग है ना, बोले भैया कृष्ण की भक्ति करने के लिए निष्काम होकर के भक्ति करना पड़ेगा, लेकिन हमको तो स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी हमें सब चीज चाहिए है, लेकिन कृष्ण को लेकिन ये तो शंकर ब्रह्मा और देवा देवी इसको पूजा करने से जल्दी जल्दी मिल जाती है, और कृष्ण भक्ति करने के लिए निष्ठा भैया हमको तो स्त्री पुत्र परिवार चाहिए, हम कृष्ण भक्ति नहीं हम तो देवा देवियों की भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, अगर भक्ति करना ना तो कृष्ण तो भक्ति करो। बोले क्यों, आप देखो ये भागवत में जिन जिन का नाम आता है ना, ध्रुव महाराज, राजा जी महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज है, तभी भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भगवान की और श्री कहते श्री विभीषण महाराज। इसलिए एक संत कह रहे थे रावण ने, देखो रावण ने लंका को पाने के लिए कितनी ब्रह्मा का कठोर तपस्या किया, उसका नाम दशानन पड़ा। पर क्यों, उसने 10 बार सर को काट करके शंकर जी के चरणों से चढ़ा दिया, 10-10 बार जिस लंका को पाने के लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की, लेकिन विभीषण को कैसे मिल गया। जब विभीषण समझाने के लिए गया रावण को, भैया हम उलट तो बन सके हैं पर आई स्त्रियों को उठा कर लेना हमारे धर्म नहीं, ये माता जगदम्बा जगजननी लक्ष्मी जाओ, सीता को राम को देख के आओ, बोले मेरे को उपदेश दे रहे हो। उसने विभीषण को लात मार दी, इतने में विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गए। केवल एक बार विभीषण प्रभु राम की शरण में सर झुका दिया, राम ने क्या किया, उनको राज तिलक लगा, भगवान उसको राज तिलक लगा दिए। बोले आज से रावण लंका के राजा नहीं, तुम लंका के राजा तुम बन गए। देखो केवल प्रभु की चरण में एक बार सर को झुका दिए, लंका की राजा बना दिए, केवल एक बार प्रभु की चरण में सर झुका दिया तो हैं। और रावण ने जिस लंका को बनाने के लिए इतनी घोर तपस्या, कितनी ने उसने आराधना की हैं, यहाँ सिखा देते हैं अगर ठाकुर जी के चरण में एक बार अगर सर झुका दोगे ना, विश्व ब्रह्मांड के तुम मालिक बन जाओगे, सारा दुनिया का तो मालिक बन जाओगे हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति करने से जो वस्तु मिलता है ना, वो शाश्वत वस्तु मिलता है, नित्य वस्तु भगवान देते हैं, अनित्य वस्तु भगवान उसको देते नहीं। राजा बनो जीवन पर राजा ही बने। बोले श्री वृंदावन बिहारी।
भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, लेकिन देखा कृष्णा तो सखा को साथ मस्त में कर रहे और सखा लोग तो ब्रह्मा को चिढ़ा रहे थे, ये चौमा कहाँ से आ गया, चौमा कहाँ से आ गया, उसको फिर ही बुला रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा भैया इतनी अच्छी अच्छी मैंने बात बता रहा हूँ, ठाकुर जी चरण में प्रणाम कर रहा हूँ, ठाकुर तो मेरे तरह में ध्यान भी नहीं दे रहे। उन्होंने देखा अभी तक तो कृष्ण को स्तुति करके देखा, अभी ना ब्रजवासियों का भक्तों को स्तुति करके देखे। तो ब्रह्मा जी बोले बोले अहोति धन्या ब्रजो गौर अपन्ना। बोले भैया ब्रज के जितने भैया, ब्रज के जितने माताएं, कितने भाग्यवती, अहो अहो मतलब आश्चर्य होकर की देखना, कृष्ण जब बछड़े सखा बन गए ना, हर माताओं को घर घर कृष्ण चले, सभी माताओं को स्तन पान कर रहे थे। जब कृष्ण बछड़े बने सारी केलिया के दूध पी रहे थे। अब देखना बच्चे जब दूध पीते हैं कितने खुश होकर दूध पीते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या स्वाह 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 का करते हैं, उसमें भगवान उतना संतुष्ट नहीं होते जितने कृष्ण बछड़े सखा बन करके भैया की जब दूध पान की। अब देखे होंगे बछड़े जब गैया दूध पीता है, देखे होंगे कैसे आनंद होकर कूच खड़े करके कैसे खुश होकर बछड़ा दूध पीता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते देखो ये बछड़े हैं और ये सखा लोग इतने सौभाग्यवान कैसे कृष्ण बछड़े सखा बन करके दूध दिए उनकी। अरे ब्रह्मा जी बोले बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम ब्रजवासियों का सौभाग्य क्या बताए। बोले अहो भाग्यम अहो, दो बार उन्होंने अहो 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 क्यों। बोले कितने आश्चर्य की बात है। बोले क्या आश्चर्य है। बोले कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन, लेकिन होते हुए भी लेकिन ब्रज में इसका सखा बन गया। सखा सखा तो कोई लड़ाई होना, अगर कभी कृष्ण को पछाड़ दे बोलते नहीं तू घोड़ा बन, कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं। कोई फल मिले तो पहले खा लेते हैं, कन्हैया फल बड़ा मीठा है, पर तू अकेला खाओगे मेरे को नहीं दोगे, झपट करके कृष्ण उनका जुधर खाते हैं। कृष्ण मखन चोरी की भैया दसरा क्या की मटकी फड़े तो उतले में बांध देती है। जब राधा रानी मान करती है कृष्ण उनकी चरण में धनसुरी रख देते हैं, मर मुकुट रख देते राधे अपना मान को तो त्याग दे। इसलिए कहती है कितने भाग्यवान है पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है, इनकी सखा सखी इनकी बेटे बच गए। जब इतनी सी बात बताए इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी उन्हें हंस पड़े। जब हंस पड़े ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर है, मतलब क्या है। वो शिक्षा देते हैं अगर मुझे खुश करना चाहते हो मेरी स्तुति से, स्तुति से मेरी भक्ति से मेरी पूजा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का पूजा भक्तों की सेवा से ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूँ। क्यों, भक्तों का हृदय नहीं गया निवास है। फिर तो ब्रह्मा जी प्रभु को चार बार तीन बार परिक्रमा लगा करके फिर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु अगर कोई बोलता है मैं भगवान को जानता हूँ, बोले उनको जानने दो, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कहता हूँ, पृथ्वी को धूल पड़ा को कोई गिन सकता है, बारिश को बूंद कोई गिन सकता, लेकिन भगवान की महिमा को कोई नहीं गिन सकते हैं। इतना बोलते ब्रह्मा जी चले गए। फिर उन्होंने दूसरा बार उन्होंने श्री नवद्वीप में श्री हरिदास ठाकुर का रूप में जन्म लिया। बोले क्यों, बोले हमने तो कोशिश किया कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण खुश हुए लेकिन वो पूरा खुश नहीं हुए, लेकिन यही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे। कहाँ पर, श्री नवद्वीप में महाप्रभु का रूप में आएंगे और सबको प्रेम देंगे, किसको मारेंगे नहीं, सबके अपराध को माफ करेंगे। पर हरिदास ठाकुर बन करके आए और तीन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद नहीं आता है, कोई है और कोई जय करे भगवान की, जितने जोर से जय करो भगवान की थोड़ी जय अपना जय। इसलिए जो जितने जोर से जय करो उतना आपका पाप खत्म होगा और जीवन में उतना सत्कर्म उतना पुण्य आएगा। ऐसे एक बार जय की इच्छा तुम जाए ठीक है। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी लग रहा है देखा की एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते इतने में कृष्ण के सखा लोग गए, केवल स्पर्श करते मन पर बेहोश होकर गिर पड़े। कृष्ण अमृत दृष्टि से उनको प्राण दिए, बोले भैया ये जब तक ये तालियां रहेगा ना तब तक मेरी लीला नहीं हो सकता, उसको खदड़ना पड़ेगा। इतने में कृष्ण उन्होंने कदम वृक्षों को पर चढ़े, बोले भैया वहां पर कोई पेड़ पौधा खा रही, आकाश में कोई चिड़िया उड़ करके जाए तभी गिर पड़ता था, लेकिन एक कदम वृक्ष कैसे रह गए। बोले कारण ही जिस समय गुरु ने स्वर्ग से अमृत लाया था उन्होंने चार जगह पर रखा, एक तो वृंदावन, एक नासी, एक इलाहाबाद, एक उज्जैन, जहाँ 12 साल के बाद एक बार कुंभ मेला पड़ता है, कुंभ मेला पड़ती है। इसलिए उन्होंने उसी वृक्ष को ऊपर बैठा था। तो वृक्ष कब की कथा जानते हो, ये सत्ययुग की कथा है, लेकिन वो कदम वृक्ष को ऊपर वृक्ष पर रख दिया, इसके केवल उसकी स्पर्श से वो वृक्ष एकदम खराब हुआ, वो वृक्ष का कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया जो अमृत केवल स्पर्श होते ही, अमृत स्पर्श नहीं केवल घड़ा का स्पर्श हो गया तभी वो वृक्ष जैसे होते ही से। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे तो पर्व देवता पूरा के पूरा वो अमृत कलश लेते हैं, बोले लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में थोड़ी सी हमें भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कथा नहीं सुनाया। इसका मतलब है ये भागवत कथा जो की जो अमृत से स्वर्ग अमृत से ये भागवत कथा की ज्यादा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए कृष्ण उसी सखाओं को बोले देखो गरु जब अमृत लाया था ना वृक्षों पर रखा था, हो सकता है एक आज भी तो अमृत होगा, मैं लाकर तुम लोगों को पिलाऊंगा। कृष्ण बहाना बना करके वृक्षों को चढ़े और कपड़े में अच्छे तरह से कपड़े को बांध दे और उन्होंने छलांग लगाए। जब छलांग लगाए पानी में कहते 400 धनुष ये पानी ऊपर एकदम दिख गया, उसका अंदर में तालियां रहता था, एक दीप था बीच में, एक गुफा को अंदर में तालिया रहता था और जो पानी को गुफा में प्रवेश कर गया और कृष्ण पानी में तैर रहे थे। अभी तालिया सोच रहा है भैया ऊपर में कोई चिड़िया भी नहीं जा सकते, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, भैया इतना किसकी हिम्मत है जो पानी में तैर रहा है। लेकिन उसकी जो पत्नियां थी ना वो वही कृष्ण भक्त थी, पत्नियां उसको पति को समझाया करते देखो ये कृष्ण भगवान है कभी इनसे बैरी नहीं करना। लेकिन बड़ा अभिमानी था, बोले भैया को पीछे पीछे घूमता रहता है, पकड़ चोरी करता, ये भगवान को भगवान भगवान कुछ नहीं। लेकिन पत्नी का बात ही नहीं सुनता था, बड़ा घमंडी था। इतने में तो गुफा को अंदर से निकला, देखा कृष्ण तैर रहे थे, पत्नियों ने समझाया लेकिन पत्नी का बात उसने सुनी नहीं। फिर तो कृष्ण को जाकर के उनका मर्म स्थान को दर्शन करने लग गया। कृष्ण ने कहा देखो पहला राज तेरी है, बाद में तू ऐसे सोच सकता हो मेरे को मौका ही नहीं मिला, पर पहले मौका तेरा, फिर मैं बाद में मेरी मौका आएगी। लेकिन कृष्ण कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो उसने कृष्ण को लपेट लिया पूरा के पूरा। जब लपेट लिया इतने जितने ब्रजवासी अपनी आप ब्रज में बड़े अनुभवी सा होने लग गया, सारे कोई सखा लोग जाकर के बोले कृष्ण तो कालिया है में कूद पड़ा, कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया, सारे ब्रजवासी वहां पर आ गए और सबके सब प्राण त्याग देना चाहते हैं।
लेकिन बलदेव प्रभु ने बोले तुम लोग कोई चिंता मत करो, कृष्ण अभी अभी आएगा। जब कृष्ण वापस आएगा अगर तुम लोग मर गए तो कृष्ण को प्रेम कौन करेगा। इतने में बलदेव प्रभु सबको रोके और कृष्ण को इशारा किया, बोले कृष्ण क्या कर रहे हो, देखते रहे विरह में सारे ब्रजवासी प्राण त्याग देने जा रहे हैं, ये क्या एक मरे गए सांप से तू खेल रहे हो, अरे खेलना हो तो मेरे साथ में खेलो ना। क्यों बलदेव प्रभु को अनंत नाग, बलदेव प्रभु अनंत नाग है, भैया खेलना तो मेरे से खेलो, ये तो मरे गए सांप से क्यों खेल रहे हो, कन्या जल्दी निकल के क्या नहीं तो ब्रजवासी प्राण त्याग दे देगी। इतने में कृष्ण अपना शरीर को उन्होंने खुलाया और उसको कांट कांट टूटना प्रारंभ की। जब इतने में कृष्ण पतले बनकर छट निकल आए, फिर उसका सर पर चढ़ गई, उसका सौ फणा था, कृष्ण को एक साथ में काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे थे, चौथे कृष्ण बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे, सारे देवता लोग आकर बातें बजा रहे थे। और कल जो सुन रहे थे ना सुरदास जी भजन गा रहा था, वृतांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पल पल रस पम 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 करो पर, पम 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 पग पट तत पम 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 ने पाती भगवान की चरण साधारण थोड़ी बात है, जिसको ब्रह्मा महेश
दिनेश गणेश सुरेश ऊंचाई निरंतर चरण जिसको सर पर को पड़ेगे वो भी साधारण भाग्य है, वो साधारण भाग्य नहीं। इसलिए पत्नियों ने देखा भैया अभी तो कृष्ण भक्त हो गया, अभी कृष्ण भक्त हो गया, अभी ऐसे पति रहनी चाहिए। बोले क्यों? ये जो नाग पत्नी वो देखने में बहुत सुंदर थी, ज्यादा ही सुंदर थी। अगर कम उम्र में अगर अगर सोच रहे अगर हमारा पति मर जाएगा हम तो देखने में बड़े सुंदर है, फिर क्या होगा? दूसरा जो नाग है वो फिर हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा। अगर ये पति रहेगा तो भक्त हो गया ना, पति रहेगा तो फिर दोनों मिलकर के भजन करेंगे। इसलिए पति रहनी चाहिए, अभी भक्त हो गया ना इसलिए रहनी चाहिए। फिर तो जितने नाग पत्नियां बच्चों को सामने लेकर के उनको पीछे पीछे आकर के भगवान को स्तुति की, बोले प्रभु हमारे पति को छोड़ दो नहीं तो हम विधवा हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग भक्ति करते हो। लेकिन इसके अंदर में जो अभिमान था ना, वो अभिमान को मैं दूर करना चाहता था। अभी तो मेरे भक्त बन गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी देखो यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया ये कालिया ने ऐसे कौन सा सौभाग्य की, कहते यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। रूप गोस्वामी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देवर्षि ब्रह्मर्षि जिस चरण को पाने के लिए घोर तपस्या करते हैं, बोले इनकी चरण की नख की जो छटाओं को भी वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कालिया ने ऐसे कौन सा पुण्य की, बारंबार कृष्ण चरण को हटाना चाह रहे थे लेकिन कृष्ण बारंबार उसको सर्व पर प्यार रख रहे। इसलिए उनको पत्नियां कहती भैया जिस चरण को लक्ष्मी गोद में लेकर के हर समय सेवा करती है, भैया हमारा पति ऐसे क्या पुण्य की आप उनके सर पर चरण रख रहे हो। हमारे पुराण में दो कथा आती है, एक कथा आती है एक समय दो संत रहते थे। जब संत रहते थे एक संत ने कहा देख भैया मैं बड़े तीर्थ यात्रा करना चाहना चाहता हूँ, मेरे कुटिया को तुम देख लें। बोले कोई बात नहीं। तो संत चला गया तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा में जब घूमते घूमते आया देखा उसकी जो कुटिया में ना जिसे संतों को रक्षक के रूप में रखा था वही भक्त बन गया, वही उसको कुटिया को अधिकार कर लिया। बोले भैया मैं तो आ गया कुटिया में, बोले भैया तेरा कौन सा कुटिया है, तेरी कौन सा कुटिया, बोले मेरी कुटिया है ना। बोले भैया हम तो नहीं जानते तो मेरे घर है। इतने में उस संतों को तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया तो दोनों में लड़ाई हुई। तो एक संत दूसरे संत को बोले तू कौवा जैसे ता 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 कर दो, तू कौवा बन जा। दूसरे ने बोला तू सर्प जैसे, चूहा तो गड्ढा बनाता है लेकिन सर्प आकर उसको खा भी जाता है, वो उसका गड्ढे में उसका गर्दन है बीज को भी निवास करता है। बोले तू सर्प जैसे हैं, जैसे सर्प जैसे चूहे को खा कर उसकी बीज में निवास करता है, तेरे को अभिशाप देता हूँ तू सर्प बन जा। अभी थोड़ा घरों अभिशाप देती एक सर्प बन गया और एक कौवा बन गया। लेकिन जब कौवा बन गया बोले भैया लड़ाई करके तो कोई लाभ नहीं हुआ, एक कौवा और एक सर्प बन गया अभी क्या करे, तो नहीं संत है। बोले अभी क्या करे, बोले उसको बदला दो। बोले क्या बदला है, बोले तू कौवा तो बनोगे लेकिन तू काग भूषण में बैठ करके प्रभु राम की कथा करो। जब राम कथा करोगे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यहाँ बैठे तुम्हारी ज्ञान को आहरण करेंगे, लेकिन कौवा तो बनोगे लेकिन काग भूषण बनोगे। उसने कहा देखो तुम तो सर्प बनोगे, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ एक दिन परम ब्रह्म भगवान तेरे सर्प होकर नृत्य करेंगे, नृत्य करके तेरे को बोलो वृंदावन का स्थान देंगे। जब भगवान की इच्छा होगी जल विहार करने के लिए यमुना में तेरे सर को पर बैठी करके भगवान जल विहार करेंगे। दोनों को उन्होंने वरदान भी दे दिए। इसलिए एक सर को और कौवा बन गए। इसकी और भी एक कथा थी, बहुत सारी कथा तो बहुत सारी। इसलिए यहाँ पर भगवान ने अपना अमृतमय दृष्टि को द्वारा यमुना पानी को निर्मल कर दिया। देखो यहाँ से शिक्षा क्या है, हमारा हृदय भी समझो एक यमुना हृदय है, लेकिन हमारा हृदय में भी तालियां निवास करता है। जैसे तालियों का सौ फण है, हमारा हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष छल कपट ये अनर्थ का भी बहुत सा फण है। हमारे हृदय में भी इस सब ताले अभी निवास करके हमारे हृदय को दूषित कर दिया, लेकिन ये पवित्र कब होगा? अगर कभी कृष्ण हमारे हृदय में छलांग लगाए और ये तालियों के सर के ऊपर प्यार की
ठोकर मार मार कर उसको भगाए। और अगर कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि से हमारे हृदय को पवित्र बना देना, एक दिन हमारा हृदय भी कृष्ण क्रीड़ा की एक सुंदर सरोवर बन जाएगा। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए, भगवान को स्मरण करनी चाहिए। भगवान के नाम को अगर लेंगे तो महाप्रभु कहते चेत धर्म मानते। जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करेगा उसका जो चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो जाएगा, साफ हो जाएगी। भव महाता वाग्नि निर्वापणम, संसार का जितने दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हरि नाम को करा प्लस श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण। हाँ, भगवान का नाम करने से उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा का किरण से रात में फूल खिलती है, जिसका लीली फूल कहते हैं, जैसे फूल खिल जाती है। अगर भगवान के नाम रूपी चंद्रमा की किरण पड़ेगा ना, तुम्हें हृदय रूपी कुमुदिनी खिल जाएगी। और विद्या बधु जीवनम, कहते हैं भगवान के नाम से क्या होगा, विद्या को एक बहु को साथ उदाहरण दिया, एक ये विद्या रूपी बहु का जीवन किया अपने भगवान के नाम। मतलब है अगर हमने एमए बीएससी डॉक्टर इंजीनियर कर लिया, लेकिन तुमको भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, तब तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई चल गया। लेकिन अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई ना, तुम्हारी सारी विद्या सार्थकता होगी। विद्या मतलब होता है जीत, मतलब होता है जानना। क्या जानना, लिखा पढ़ा सीख करके अगर भगवान की भक्ति को समझ गई, समझना तुम्हारी सब कुछ जानना हो गया, सब कुछ जानना तुम्हारी हो गई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़े विद्वान को उन्होंने परास्त किया। सरस्वती जिसकी जीवा में बैठी करके बात करती थी, जब उन्होंने उनको परास्त कर दिया, महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं, बोले भैया जब ये शरीर छूट जाएगी ना, कि जितने तुम्हारी पीएचडी एमए डॉक्टर इंजीनियर किया है ना, सारे पढ़ाई यही रह जाएगी, वो पढ़ाई पढ़ाई साथ में तुम चलेगी नहीं। उस समय क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल कहते हैं सब परिवार जुटा है, सारी डिग्री यही रह जाएगी और साथ में कोई भगवान की नाम धन ही साथ में चलेगी। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या का जीवन क्या है, भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। जब इंद्र कथा सुना रहे थे, ध्यान से सुनो, बोले एक समय कुछ एकदम अच्छे लिखे हुए लड़के, कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए किया हुआ, एक दिन नाव में बैठ करके पार हो रहे थे, नदी पार हो रहे थे। नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब बीच दरिया में नाव पहुंच गई, जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछ रहा है, भैया भैया तेरे को सीए बना रहे तुझे पता है, और जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले तेरे को इंजीनियरिंग के बारे में तुझे पता, इंजीनियरिंग क्या है, बोले नहीं जानते, बोले नहीं, बोले तेरा तो 50% जीवन बेकार गया। जब और थोड़ी दूर नाव पहुंचा, जो साइंस पढ़ रहा था, बोले तेरे को साइंस को बारे में तुझे पता है, बोले भैया साइंस क्या चीज होता है, बोले साइंस नहीं जानते हो, बोले भैया तेरे तो 75% जीवन का बेकार हो गया। करते करते क्या हुआ, नाव में एक छेद हो गया और उसमें तो पानी उठना शुरू हो गया। उसने कोशिश की बंद करने की, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा था। इतने में जो नाव चला रहा था उसने बैठ गया जो नाव चला रहा था, अभी तो नाव में पानी घुसना शुरू हो गया। उसने कहा भैया तुम लोग को तैरना आता है, बोले तैरना क्या चीज, बोले तैरना नहीं आता है, बोले नहीं, बोले मेरे तो 75% जीवन गया था, अभी तुम्हारी 100% जीवन जाएगा। और देखते देखते नाव में पानी भर गया, उसको तो तैरना आता था, वो छलांग लगा और पार हो गया। और जितने सीए और एमए पीएचडी डॉक्टर बनते ना, सब
हाँ देखो यहाँ पर हमारे बड़े गुरु जी कथा सुनाते हैं, हम भी जगत में बहुत लिख पड़े हैं, कोई सीए कोई डिग्री में कोई, और जितना पढ़ रहे हैं ना उतना अहंकार आ रहा है। पहले लोग थोड़ी सी कम पढ़ते थे, भगवान के चरण में भक्ति भजन भजन करते थे, अभी देखना जितने पढ़ाई उतने उदंड, उतना पिता माता को अनादर। पिता माता को क्या कहते, तुम क्या जानते भैया, तेरे को जो जन्म जिसने दिया, तेरे को लिखाया पढ़ाया ज्ञानी बनाया, अभी वो कुछ नहीं जानते, तुम ही सब समझ गए। वो जितने पढ़े ना पिता माता को कहते, तो अनपढ़ गवार भैया, गवार थे, अच्छे थे, जीवन अच्छे तरह से बीतती थी, अभी जीवन जितने लिखे बड़े होते ना उनका जीवन अच्छे तरह से नहीं बीत रही। मैं बता रहा था ना कि लोग क्या करते हैं, बोले आई लव यू, फिर बाद में आई लीव यू, बाद में आई किल यू, या फिर कोर्ट नंबर 11 कोर्ट में भागते दौड़ते हैं, वो ज्यादा पढ़ने का यही फल हो रहा है। लेकिन पहले इतने लिखा पढ़ा नहीं था, माताएं घर में रहती थी, अपना घर को देखती थी, और पति पत्नी में जिंदगी भर सुख में बीतती थी, अभी किसका जीवन सुख में नहीं बीत रहे भाई, इसे बैठा देना थोड़ा सा। लव मैरिज करते सुख में नहीं बीत रहे, क्योंकि ये शास्त्र उल्लंघन करते हुए सारे काम कर रहे हैं, इसलिए पिता जीवन बड़े दुख में जीवन में। आप जाओ कोर्ट में आकर के देखो, केवल यही यही डाइवोर्स का है, डाइवोर्स के सारे केस चलती है। इसलिए पहले कम लिखे बड़े होते थे, पति अगर कुछ बोल दिया पत्नी सुन लेती थी, हैं पत्नी थोड़ी बोल दिए तो पति सुन लेते, अभी कोई सुनने वाला नहीं, कुछ थोड़ी सी बोल दिए, जैसे हम कपड़े को बदलाते हैं ना, अभी ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे बना बदला, अगर जीवन में अभी सबसे ज्यादा कोई झुके ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज्यादा, इन्हें संतुलित बोल रहे थे। इसलिए भैया हम भी जगत में बहुत कुछ लिख पड़े गए, लेकिन जो असली जो लिखाई पढ़ाई ना, वो असली लिखाई पढ़ाई हमने नहीं की। इसलिए मीरा कहती है, प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोई, पंडित वह है भगवान की प्रेम रूपी ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिया, वो जगत में सबसे बड़ा पंडित वही है। इसलिए जो कुछ पढ़ाई लिखा है बच्चों समय में, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सत्य का झूठा, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, हरि नाम करो भगवान के नाम से ही परम आनंद परम शांति केवल भगवान की भक्ति से तुम्हें मिलेगी, और किसी चीज से तुम्हें ये शांति से तुमको नहीं मिलेगी। अभी बच्चे लेखा पढ़ा करके सुसाइड कर रहे हैं, कोई एमए पीएचडी डॉक्टर करके इतने कमजोर डिप्रेशन में, काम था नहीं मिला तो डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे थे, नंबर इतना कम आ गया, इतना तीन मार्क हमारे कम आए, इतना मार्क होनी चाहिए, 80% आया तभी कुछ नहीं, बोले 90% से ऊपर आनी चाहिए, सुसाइड करते हैं। इसलिए भैया कम लेकर बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को सुख में बिताओ, प्रभु की भक्ति करते हुए बिताओ, ये भक्ति करते हुए बिताओ तो जीवन में शांति सुख मिलेगा। इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, हाथ उठा कर बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।